वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे और इसके द्वारा आप बेहतर तरीके से इनकी रेखाओं के द्वारा इनके भागफल के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकी जो यहाँ की रेखा है उसका अध्ययन करेंगे, मणिबंध की रेखाओं का। ठीक है, मणिबंध की रेखाओं से हम सबसे पहले जानेंगे कि इनका भाग्यफल मणिबंध की रेखाओं के आधार पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जब इसे आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सबसे नीचे से अगर शुरू करें तो यहाँ से एक लकीर सीधी आके यहाँ तक चली जा रही है। ठीक है, एक हो गई, एक दूसरी हो गई, एक यहाँ पे नीचे से आ रही है, एक यहाँ से सीधे आगे तक चली जा रही है। ठीक है, तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले ये इनकी आयु की हो गई, बहुत ही बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा नीचे हम सुख की रेखा देखेंगे, मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में कितना ऐसा आराम मिलेगा जितना वो चाहते हैं अपने जीवन में, जीवन को वो क्वालिटी दे पाएंगे या नहीं, मतलब उनके लाइफ के लिए जो वो चाहते हैं उतना वो अपने लिए मतलब सुख प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, शुरुआत में एक रेखा ऊपर तक चली गई है, उसके बाद यहाँ से कट के अलग से होके निकली है। तो मणिबंध की रेखाओं के अनुसार मनुष्य के शुरुआती जीवन में, मतलब मनुष्य का जब जन्म हुआ है उसके बाद से 16 से 17वें साल तक व्यक्ति आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न रहेगा। ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब हुआ कि व्यक्ति अपने माता पिता के चूँकि संपर्क में रहेगा, उनके साथ रहेगा, तो इस उम्र तक उसके साथ काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे। फिनेंशियली व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में होगा, लेकिन इसी दरमियान व्यक्ति खुद से अपने लिए, चूँकि यहाँ पे रेखा अलग है, इसका मतलब है व्यक्ति क्रिएटिव है, स्वतंत्र विचारों का है, वो खुद से अपना अलग मुकाम प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए हमेशा से वो क्रिएटिविटी के सहारे कुछ अलग करने का जज्बा रखता है। और इस अनुसार वो व्यक्ति शुरुआत से ही, मतलब अपन अपनी उम्र के शुरुआती दौर से ही, 17, 18, 19 साल की एज से ही व्यक्ति कुछ न कुछ अपने लिए अच्छा करने के चक्कर में पड़ जाएगा और कुछ अपने लिए अच्छा करने की कोशिश शुरू कर देगा। और ये कोशिशें सफल होती भी दिख रही हैं मणिबंध की रेखाओं के अनुसार। व्यक्ति जो करेगा उसमें, यहाँ पर जो ये थोड़े नीचे की तरफ है ना, इसका मतलब थोड़े से मुश्किलों के साथ व्यक्ति आगे अपने जीवन में सफल होता चला जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे धन और सुख दोनों की प्राप्ति का अच्छा संयोग बन रहा है, मतलब व्यक्ति को इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे इनके ये ऊपर की रेखाओं का। ठीक है, ऊपर की रेखाओं में आप देखेंगे कि यहाँ से एक रेखा निकली है। ठीक है, ये रेखा निकली यहाँ से, यहाँ से निकलने के बाद ये थोड़ा आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ चली गई, एक किनारे से यहाँ से रेखा निकली, मतलब ये सारी रेखा केतु के क्षेत्र से निकल रही है। केतु के क्षेत्र से निकल रही है मतलब व्यक्ति काफ़ी खुले विचारों का, काफ़ी खुले दिल का और काफ़ी साफ दिल का व्यक्ति है, और इसको इसका सपोर्ट यहाँ से व्यक्ति को मिल रहा है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदार कोशिशों की बदौलत जो भी प्रयास करेगा उसमें व्यक्ति को काफ़ी सफलता मिलेगी। शुक्र की जो यहाँ की रेखा है वो भी काफ़ी सपोर्टिव लाइंस यहाँ पे बना रही है, व्यक्ति के लिए ये अच्छे अवसर हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी फिट लाइन जो है आगे जाके अलग रेखा बना रही है, लेकिन इसमें ये वापस आके इनके जीवन रेखा से मिल गई है। जीवन रेखा से मिलने का क्या मतलब हुआ? ये जो इनकी फिट लाइन है शुरुआत में दो जगह से निकली है, मतलब फादर के सहयोग से, अपने पिता के या अपने जो भी इनके गार्जियन हैं उनके सहयोग से व्यक्ति आगे तक जाएंगे। इनको अच्छी परवरिश मिली है और उस अनुसार ये अपने आप को डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ये खुद के कर्म से, मतलब आगे बढ़ने के बाद ये अपनी मेहनत की बदौलत, खुद के कर्म से ये व्यक्ति अपने लिए नए रास्ते तलाशेंगे और अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाएंगे। इसके लिए आपको ऊपर के जो भी रेखाएं हैं उसका अध्ययन करना जरूरी है। ऊपर की रेखाओं में आप देखेंगे यहाँ से जो रेखा आ रही है यहाँ पे आके थोड़ी मोटी हो गई है, मतलब बालक ने जब जन्म लिया तो बचपन से ही वो काफ़ी सेंसिटिव, मतलब काफ़ी संवेदनशील किस्म के व्यक्ति हैं। बचपन से ही अपने लिए उनके अलग तर्क हैं, अलग विचार हैं, अलग संभावनाएं हैं,
वे खुद को औरों से अलग पाते हैं और खुद के लिए औरों से अलग उनके एम है, उनकी सोच है और उसी अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनकी इन रेखाओं के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस लाइन है, ठीक है। ये मंगल की तरफ से आती बहुत सारी स्ट्रेस लाइन इन्हें काट रही है, मतलब जीवन में के इस दौर में काफ़ी स्वास्थ्य से संबंधी, इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित, इसके अलावा कुछ और समस्याएं इन्हें परेशान कर सकती हैं। इस समय इन्हें ज़रूरत है अपने आप को डिप्रेशन मुक्त रखने की। इस समय किसी भी प्रकार की उलझन इनके लिए, इनकी सेहत के लिए गलत हो सकती है, इसलिए इस समय ये थोड़ा अपने आप को बचा के रखे तो इनके लिए बेहतर है। इसके अलावा पाद की रेखाएं सही है। जब इनकी उम्र 21 से लेके 24, इस दरमियान इन्हें काफ़ी सावधानी बरतनी है अपने हेल्थ के प्रति, अपने आप के प्रति, क्योंकि इस समय इन्हें वाहन से काफ़ी सावधान रहना है। कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर जाने आने के बीच में काफ़ी सावधानी बरतनी है। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, जो भी सर्कल्स हैं, कहीं भी ये जाते हैं तो उसमें पूरी तरह से देख समझ के उसके बाद ही इस पे कुछ आगे इन्हें बढ़ना है। कम से कम वाहनों से काफ़ी सावधान रहे, इस समय कुछ खतरा हो सकता है। कोई ज़्यादा लाइफ थ्रेट नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के खतरे से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा का देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि 19 से लेके 24, ठीक है, 21 23, मतलब 2 से 3 साल की एज तक के बीच में थोड़ा व्यक्ति के साथ थोड़ी समस्याएं आएंगी। व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा जल्दबाज होगा, थोड़ा ज़्यादा कुछ करना चाहेगा, लाइफ के एक्सपेक्टेशन इनके बढ़ जाएंगे, कुछ ज़्यादा ये आगे तक सोचेंगे, इस कारण व्यक्ति को थोड़ी बहुत समस्याएं इस एज में आएंगी, इसलिए इस समय इन्हें बचना चाहिए इन चीज़ों से। यहाँ पे एक रेखा आप देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ आगे चंद्रमा के इस क्षेत्र तक चली जा रही है, ठीक है, नीचे तक चली जा रही है। व्यक्ति काफ़ी, मतलब अगर सही कहे तो व्यक्ति को इस खास उम्र में इन्हें लड़कियों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में इन्हें थोड़ा वो ज़्यादा परेशान करेंगी। इस एज में लव अफेयर्स वगैरह कुछ इनके पास आ सकते हैं, कुछ ऐसे चक्कर है जिसमें पड़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचें, नहीं तो ऐसी स्थिति इनके लिए घातक आगे साबित हो सकती है। अगर कोई भी लव अफेयर्स या कुछ भी ऐसा है तो अभी फ़िलहाल उससे काफ़ी बचे, उससे दोस्ती तक ही सीमित रखें, उससे आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो आगे आपके लिए थोड़ी बुरी स्थिति हो सकती है। क्योंकि अभी अगर आप कुछ उसे आगे बढ़ाते हैं रिलेशन को, तो आपके करियर के लिए वो अच्छा नहीं होगा, अच्छे होने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। इसलिए अभी समय है कि थोड़ा अपने करियर को आप स्टेबल करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसके उपरांत आपके लिए इस सारे अवसर दोबारा से मिलेंगे आपको। तो अभी आप थोड़ा इसे दूसरे तरीके से लें और इसे आप पॉजिटिव वे में लेके अभी अपने करियर की तरफ ध्यान देना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। उसके बाद अगर आप ये बेहतर विकल्प लेते हैं तो उसके बाद आपकी रेखा बहुत ही अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छा मूव कर रही है, उस स्थिति में आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बाद भी आपकी चंद्र की बाद से भी रेखा आ रही है, मतलब आपके कैरियर के प्रति अगर आप ध्यान देते हो तो उसके बाद आपको और बेहतर अवसर मिलने जा रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान दें। इसके अलावा इनकी हृदय रेखा यहाँ पे थोड़ी यवल रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, थोड़ी यहाँ पे भी गहरी हो गई है, गहरी होकर फिर आगे ये बढ़ के यहाँ तक गई है, ठीक है। शुरुआती दौर में ये व्यक्ति काफ़ी दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचने वाले होंगे, थोड़े जज्बात ज़्यादा होंगे, तो ये इनके लिए मुश्किल हो सकता है। जज्बाती कम बने और जो सही है उसका साथ दे, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें, थोड़ा एकांतवासी बने, ज़्यादा इधर उधर के लफड़ों में ना पड़े, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इनके यहाँ पे आप देख रहे हैं खास ये विष्णु सिंबल बन रहा है, बहुत ही बेस्ट रेखा है ये स्थिति। अगर किसी भी व्यक्ति में बनती है, व्यक्ति को अचानक से काफ़ी धन लाभ, अचानक से काफ़ी उन्नति होती है। व्यक्ति जो कुछ चाह रहा है, जो कि बहुत दिन से नहीं हो पा रहा है, वो अचानक से व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, और ऐसी स्थितियाँ इनके इस एज में दिख रही है, जो कि इनकी एज है आपको 22 से लेकर 24 के बीच में, इस बीच में इनकी ये स्थितियाँ, ये रेखा काम करती हुई दिख रही है। उस स्थिति में व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय है, इसके लिए ये जो स्ट्रगल का आपका समय है, इस समय
का जो आपने स्ट्रगल किया है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस रेखा के द्वारा यहाँ पे मिलेगा। तो आपने अभी अपने स्ट्रगल को पूरी तरीके से करना है, एंजॉय करना है, वो करते रहे, अपने काम की तरफ आगे बढ़े, रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रही है, फिर उसको उसका आपको लाभ मिलेगा और ये रेखा अपना काम करना शुरू करेंगी। तो बस आपने यही करना है कि इस उम्र में खासकर हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, और थोड़ा कहीं भी बाहर जाते आते हो तो थोड़ा सावधानी बरते आप, तो समस्याएं कम होंगी, किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, किसी भी के भी साथ कोई झगड़े के चांसेस हो या किसी से कोई दुश्मनी मोल ना ले, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा इस एज में। इसके अलावा इनकी उंगलियां साफ इशारा कर रही हैं कि व्यक्ति अपने घर में सबसे अलग विचारों का है। व्यक्ति हमेशा से खुद के लिए, खुद के लिए मतलब सोचते हैं, खुद का इनका अपना बनाया हुआ सब कुछ है, उसी के अनुसार चलना पसंद करते हैं। किसी की बातों में आना या किसी दूसरे के बात के अनुसार ये नहीं चल सकते हैं। इनकी अपनी स्वतंत्र विचार हैं, स्वतंत्र प्रकृति है, उसी अनुसार चलना पसंद करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की सारी उंगलियों की आप स्थिति देखेंगे तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखद होने वाला है। व्यक्ति काफ़ी ऊंचाई प्राप्त करेगा, व्यक्ति में उसके सारे गुण नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अब हम सिंपल सिंपल जो एक एक रेखाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो अब आप देखेंगे इस क्षेत्र की जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये पूरी तरीके से इशारा कर रही हैं कि व्यक्ति को काफ़ी इनके जहाँ से भी ये हैं, फादर से, इनके घर के लोग हैं, उनकी तरफ से शुरुआत में काफ़ी सपोर्ट और एक अच्छे घर में व्यक्ति का जन्म हुआ है, जहाँ से इनको अच्छे संस्कार मिले हैं और उस अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और जीवन में ये आगे जाके इन्हें काफ़ी तरक्की दोबारा से, मतलब व्यक्ति को लाइफ में दोबारा से एक बार फिर मौका मिलेगा। जब व्यक्ति अपने 15वें, 16वें, 18वें साल में रहेगा तो उस समय व्यक्ति को फिर से एक जैकपॉट मिलेगा, फिर से उसे किसी अपने की तरफ से उन्हें किसी प्रकार की बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त होगी, कुछ ऐसा प्राप्त होगा जैसा उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ये द्वीप बना रहे हैं बहुत ही बेस्ट है व्यक्ति के लिए। ये समय खासकर चूंकि इनकी एज अभी 21, 22 के आसपास है तो बहुत ही बेस्ट एज है। इस एज में इनके लिए बहुत ही सुपीरियर अवसर है, बहुत जल्द इन्हें और अच्छे अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, चूंकि अभी ये इनका स्ट्रगल का नेक्स्ट समय आने वाला है और मतलब लगभग 1 से 1.5 साल बीत चुका है, 1.5 से 2 साल इनके पास और समय है स्ट्रगल करने का, वो करते हैं, उसके बाद इनके लिए ब्राइट फ्यूचर इनका इंतज़ार कर रही है, तो इनको काफ़ी लाभ होगा उसका। तो ये ऊपर की रेखाओं के द्वारा भी आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये जो रेखा मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो रेखा है चंद्र पर्वत से आ रही है, अभी लड़कियों से काफ़ी सावधान रहे, किसी भी प्रकार के रिलेशंस को अभी कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा करीब ना करें, थोड़ा दूरी बनाए रखें, अभी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा सावधानी बरतें। आप देख रहे हैं कि लाइफ लाइन आपकी अच्छी जा रही है, बीच में थोड़े से जो स्ट्रेस लाइन्स हैं इनसे आपने बचने की आवश्यकता है, तो इस तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके सिवा और तीसरी लाइन को देखते हैं, ये लाइन भी साफ इशारा कर रही है। इस लाइन में थोड़ा ये है कि ये जो आपकी लाइन है ना, अगर एज ए एस्ट्रोलॉजी मैं आपको सही बताऊं, इसे आप इसी तरीके से ले कि इसे ज़्यादा आप निगेटिव नहीं ले तो बेहतर है, क्योंकि हाथ की रेखाएं हैं ये परिवर्तनशील होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार जो आ गया सो आ गया, तो हाथ की रेखाओं पे परिवर्तनशील है, तो उसी अनुसार इसे आपने लेना चाहिए। ये जो रेखा है ना, ये मतलब सीधा इशारा करिए कि व्यक्ति की जो शादी होगी वे व्यक्ति काफ़ी सोच समझ कर करे, अगर वे सोच समझ कर नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में या सीधा किसी से प्यार हो गया और इन्होंने शादी कर ली, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में व्यक्ति का डिवोर्स हो सकता है, उनका तलाक हो सकता है, ऐसी समस्याएं उनके जीवन में आएंगी। इसलिए जब भी शादी करें, जब भी अपना कोई रिलेशन को आपने वेडिंग में बदलनी हो, मैरिज में बदलनी हो, तो काफ़ी सोच समझ कर उसी अनुसार करें। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में 3 लड़कियों से इनके अफेयर होंगे, मतलब 3 रिलेशन इनके लाइफ में आएंगे जिसमें एक से इनकी होगी, तो उस मामले में आपने थोड़ा संभल के रहना है। इसके अलावा 2 पुत्री और 1 पुत्र के योग बन रहे हैं, तो ये था इनका यहाँ का। इसके अलावा पिता और माता को जो शारीरिक समस्याएं हैं, इन द सेंस कि जो प्रॉब्लम्स या जो उनके साथ, जैसे कि मान लो कि किसी को आपके माता या पिता को किसी को जोड़ में दर्द हो, ठीक है, किसी को और कोई परेशानी हो छोटी मोटी, तो
वैसी समस्याएं आपके जीवन में भी आ सकती है। तो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं वे सब आपके आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान बरते। अगर मान लो कि डायबिटीज़ हो किसी को तो आपको भी हो सकती है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप शुरुआत से ही सावधानी बरतें। इसके अलावा इनका थंब का देखेंगे तो व्यक्ति थंब से सीधा पता चलता है कि व्यक्ति बहुत ही मेंटली रूप से बहुत ही मतलब अच्छी स्थिति में है। व्यक्ति के पास लॉजिक काफ़ी सारे हैं, लॉजिकल आदमी है व्यक्ति। इसके अलावा इनके अंगूठे का जो ऊपरी क्षेत्र है देखने से साफ पता चलता है कि ये आपका ऊपरी क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा लंबा है। व्यक्ति काफ़ी मतलब सेंसिटिव तो है ही, इसके अलावा जॉली किस्म का है। और इनकी अंगूठे की देख के सेफ लगता है कि नीचे की तरफ झुक रही है, मतलब ऐसे लोग किसी की हेल्प करना इनकी फितरत में है, हेल्प करना इन्हें अच्छा लगता है और ये काम ये लोग करते हैं। लेकिन इस पे जो कट्स हैं, कट्स बता रहे हैं कि व्यक्ति को उसके अनुसार लाभ नहीं मिल पाता। ये किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन इनके साथ धोखा हो सकता है, धोखे की संभावना बन रही है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। इसके अलावा अब और दूसरी रेखा देखेंगे तो इनके हाथों की बाहरी स्थिति इन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। व्यक्ति को काफ़ी अच्छी स्थिति में ये रेखाएं लेके जाएंगी। व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वे करते रहें, उसमें अभी स्ट्रगल है, लर्निंग पीरियड है, वो काम मन मार के कैसे भी पूरा कर ले, आगे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इनका इंतज़ार कर रही है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। आप बस एक चीज़ देख लेना कि इस पे जो बाल हैं ऊपर में जो हेयर्स हैं वे कितने हैं, ठीक है। एक जैसे कि एक यहाँ पे डॉट हुआ तो एक से एक ही बाल निकला है या दो बाल निकले हैं, तो ये आपने देख के बतानी है हमें। तो इस अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि क्या लाभ है। तो हाथों की ये सेप बहुत ही अच्छी सेप है। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे। ऐसे व्यक्ति बिजनेस में या बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर बड़े पदों पे ये लोग जा सकते हैं, बिजनेस में ऐसे लोग काफ़ी सक्सेस हैं। इसके अलावा ऐसे लोग अगर कपड़ों का व्यवसाय करें तब, इसके अलावा समुद्र से संबंधित जो भी है जैसे ये लोग शिपिंग का, नमक का, इसके अलावा जो भी दुर्लभ हीरे मोती हैं इन सब के कार्यों में ये लोग निपुण हैं, इन सब कार्यों में इन्हें फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर हम फिर अब और सारी रेखाओं देखें तो उसके बाद यहाँ की आपकी ये शुक्र की रेखा है। शुक्र की रेखाएँ काफ़ी अच्छी स्थिति में है। व्यक्ति को अपने फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के, मैं तिवारे से ये बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में ना पड़े। कहीं दो लोगों का कुछ चल रहा हो गलत तो उससे बच के रहें, उस बीच में आप ना पड़े। बीच में आप ऐसा नहीं है कि जाके इंटरफेयर करें, आपका इंटरफेयर करना आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, इसलिए इंटरफेयर से बचें। आपकी जो ये लाइन है, खासकर ये लाइन बहुत ही अच्छी स्थिति में है। ये लाइन जो आपका विष्णु सिंबल है ये आपको काफ़ी सक्सेस दिलाने वाला है, तो आप बस ईमानदारी से अपना काम करें, आपको सफलता मिलेगी। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस मामले में थोड़ी सी आप अनलक्की है। तो गुरु से संबंधित मैं आपको इसका मंत्र दूंगा, उसका आपने जप करना है, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे यहाँ पर इनके सूर्य के क्षेत्र की, सूर्य के क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य के क्षेत्र की स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसे जातक को जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे द्वीप जैसी स्थिति बन रही है और नीचे से आके ऐसे यहाँ पर चली जा रही है, ठीक है। तो स्थितियाँ बेहतर नहीं है, इन स्थितियों को आपने बेहतर बनाना है। इसके लिए ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सोशली आप अलग हो जाओ, ठीक है। आप ज़्यादा सोशली एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा आप किसी से रिलेशन में आ जा रहे हो, क्लोज हो जा रहे हो, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर ले रहे हो, उन सब चीज़ों से बचें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। वैसे आप चीज़ों से बचेंगे तो ये रेखाएं सुधर जाएंगी, स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा क्रिएटिविटी है व्यक्ति में, क्रिएटिव है व्यक्ति, कुछ अगर करना चाहेगा आईटी सेक्टर वगैरह में तो व्यक्ति अच्छा कर पाएगा। इसके अलावा शनि के इस क्षेत्र की रेखाएं काफ़ी अच्छी स्थिति में है। व्यक्ति को काफ़ी धन लाभ होगा, लेकिन व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना ज़्यादा इसे फायदा होगा। तो इसके बाद हम और रेखाओं को देख लेते हैं। ये खासकर गुरु की जो आप लाइन देख रहे हैं ये सीधे तौर पे बता रही है कि एक लाइन यहाँ से आ गई, एक यहाँ पे लाइन ऊपर में क्रॉस बना रही है, ठीक है, लेकिन नीचे से आड़ी रेखा आ रही है। मतलब क्या हुआ, व्यक्ति के पास है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है, खुद पे भरोसा नहीं कर पाता है। और जब ये रेखा यहाँ से निकल के यहाँ से मोटी होके यहाँ पे आ जाती है, मतलब पता चलता है कि व्यक्ति
सब कुछ जीत के भी कभी कभी उसे लगता है कि मैं जीत नहीं पाया, मैं हार गया हूँ, तो कभी कभी दिल से वो पूरी तरह तरीके से अपने को हारा हुआ महसूस करता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं हो, आप जो कर रहे हो सही है, ईमानदारी से सही काम करते रहें, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक छोटी सी रेखा है, थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मंगल का दोष यहाँ पे बता रही है, तो इससे संबंधित रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा फिर से दे दूंगा। इसके अलावा अब इनकी सारी रेखाएं यही थी, आपने देख ली। इसके अलावा भी आपको अगर मन में कोई कुछ कोई सवाल हो, पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।